रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी रामकृष्ण नगर महावीर चौक मंगलवार की रात चोरों ने 10 लाख का सामान चुराकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोरों ने घर का गेट गैस कटर के द्वारा काट दिया और घर में घुसने के बाद वॉशिंग बेसिन में शेकर खाकर फेंक दिया और कुछ देर रुककर चाय बनाकर पीने भी लगे। परिजन अपने रिलेटिव की शादी में गए हुए थे, सुबह उनको फोन आया कि आपके घर में रात में चोरी हो गई है, तो वह सभी आनंद फानंद अपने घर पर आए। अजय कुमार राम लखन पथ में पंडाल का काम करते हैं। अजय कुमार ने बताया कि 5 लाख का जेवर और 3 लाख के कासा का बर्तन चोर लेकर फरार हो गए हैं। इतना ही नहीं, जो परिजनों ने SSP उपेंद्र कुमार शर्मा के मोबाइल पर फोन लगाया तो वह मोबाइल रिसीव नहीं किया गया और फोन को काट दिया गया। थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर ही चोरी हुई थी। इससे यह पता चलता है कि प्रशासन नीचे से ऊपर तक सभी के सभी सुस्त हैं। कितना का था? 2.5 से 3 लाख। गहना कितना का था? 4.5 लाख का। अच्छा, और क्या क्या था? बर्तन चांदी का। अच्छा, कांसा का, पीतल का। अच्छा, 1 से 1.5 लाख। थाना को सूचना कितना बजे दिए थे? थाना को सूचना दिए थे 10 बजे। अच्छा, तो और चोर का जो है कुछ जो है ये यहाँ जो है थूका हुआ है शिखर वगैरह का? शिखर बेसिन में थूका हुआ है। अच्छा, बना कर पिया है। अच्छा, आपका नाम? अजय कुमार। इसमें ताला नहीं था क्या? ऊपर उठा के का किया, ऊपर बिक दिया, लोग काटा है क्योंकि नीचे का आवाज करता है। सब निकाला जो थी लगा दिया।